Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on heat exchanger. So first heat exchanger is shell and tube heater from the chapter heat transfer. From my previous video on heat transfer, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So guys, let's talk about the equipment used in heat transfer. सो आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती है उसमें वैरायटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स अवेलेबल है. तो जो भी मटेरियल को हीट करना होता है वो मटेरियल लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकती है, यार कभी कभी सॉलिड भी हो सकता है जिसमें आपकी आपको हीट ट्रांसफ़र करवानी होती है. और जो हीटिंग मीडिया मोस्टली अपन यूज़ करते हैं वो करते हैं हॉट फ्लूइड या फिर कंडेंस स्टीम को यूज़ कर सकते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए. तो अधिकतर फार्मेसी में हीट ट्रांसफ़र की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है आपको प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्च पेस्ट, जहाँ पर कि आपको जिस स्टीम जैकेटेड कैटल को यूज़ करते हैं फॉर द ग्रैनुलेशन. फिर क्रिस्टलाइजेशन में आपको हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है, इवेपोरेशन में आपको हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है, डिस्टिलेशन में आपको हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है, स्टरलाइजेशन में आपको हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए वेरियस इक्विपमेंट्स अपन यूज़ करते हैं जिनको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर. तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड थ्रू अ मेटल वॉल. तो जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं बेसिकली ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं एक फ्लूइड से अनदर फ्लूइड में. तो जो लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र करवानी है वो किसकी हेल्प से होती है, आपकी जो एक फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हो वो आप हॉट गैसेस को यूज़ कर सकते हो या फिर स्टीम को यूज़ कर सकते हो. तो दीज आर द हीट एक्सचेंजर. और हीट इंटरचेंजर्स क्या होते हैं, हीट इंटरचेंजर्स आर द डिवाइसेस यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनादर और फ्रॉम वन गैस टू अनादर गैस थ्रू अ मेटल वॉल. सो मेटल वॉल से क्या होता है कि आपका एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र होता है. तो एक लिक्विड जो रहेगा आपका हॉट रहेगा, दूसरा लिक्विड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका कोल्ड रहेगा. या फिर एक गैस से दूसरी गैस में आप हीट का ट्रांसफ़र करवा सकते हो. तो एक गैस जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी हॉट गैस रहेगी, और दूसरी गैस जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी कोल्ड गैस रहेगी. तो ये जो होता है हीट का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, आपका मेटल वॉल के थ्रू होता है. तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट हीट एक्सचेंजर्स और हीट इंटरचेंजर्स अपन यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन हीट एक्सचेंजर्स के बारे में. तो हीट एक्सचेंजर बेसिकली अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ब्यूल्ड फॉर द एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हीट एक्सचेंजर. तो बेसिकली जो हीट एक्सचेंजर्स यूज़ होते हैं वो आपके रेफ्रिजरेशन में, स्पेस हीटिंग में, एयर कंडीशनिंग में, पावर प्लांट में, केमिकल प्लांट्स में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग में एंड सीवेज ट्रीटमेंट पे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले अपन फ्लो अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर में जो फ्लो अरेंजमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि दो फ्लूड्स रहते हैं, एक फ्लूड जो रहे दोनों फ्लूड्स जो रहेंगे आपके हीट एक्सचेंजर में सेम एंड से एंटर करते हैं और सेम एंड से ही बाहर निकलते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, जो रेड से है वो हॉट फ्लूड को डिनोट करता है और जो आपका ब्लू से मार्क किया गया वो कोल्ड फ्लूड को डिनोट करता है. तो दोनों का इनलेट जैसे कि आप देख सकते हो वो कैसा है, एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलली फ़्लो कर रहे हैं दोनों, एक साथ पैरेलली फ़्लो कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं वो भी आपका पैरेलली फ़्लो करके बाहर निकल रहे हैं. दोनों एक ही एंड से बाहर निकल रहे हैं, एक एंड से एंटर कर रहे हैं दोनों एक साथ में और दूसरे एंड से क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ में बाहर निकल रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलली फ़्लो कर रहे हैं. यहाँ से आपका हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ से आपका कोल्ड फ्लो कर रहा है, तो दोनों पैरेलली फ़्लो कर रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट. इसके बाद में जो दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द काउंटर फ्लो अरेंजमेंट, जिसमें कि क्या होता है कि आपका इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द फ्लूइड इंटर्स द एक्सचेंजर फ्रॉम अपोजिट एंड एंड द काउंटर करंट डिज़ाइन इज मोस्ट सफिशिएंट टाइप ऑफ. तो इसमें क्या रहता है काउंटर करंट में, एज यू कैन सी कि जो आपका हॉट फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और जो आपका कोल्ड फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इंटर करेंगे. ये आपका इस साइड से जाएगा या आपका इस साइड से आ रहा है.
दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इंटर कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन से ही लीव कर रहे हैं। जो कोल्ड फ्रूट रहेगा आपका इस एंड से लीव करेगा और जो हॉट फ्रूट रहेगा उसके अपोजिट एंड से लीव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ काउंटर फ्लो। नेक्स्ट जो फ्लो अरेंजमेंट होता है वो आपका होता है क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट। तो क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट में क्या होता है कि फ्लूट ट्रेवल्स रफली परपेंडिकुलर टू वन अनादर थ्रू द एक्सचेंजर। तो हियर यू कैन सी दैट द हॉट फ्लूट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड एंड कोल्ड फ्लूट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड। तो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जैसे कि ये आपका फुल फ्लो करवा रहा है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये यहाँ से आ रहा है तो इसे परपेंडिकुलर रहेगा, तो दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। फिर इस डायरेक्शन से आपका जो हॉट फ्लू रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, इस डायरेक्शन से आपका कोल्ड फ्लू बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहे हैं तो इसको क्रॉस फ्लो बोलते हैं। अब जो फर्स्ट आपका हीट एक्सचेंजर होता है उसको बोलते हैं शेल ट्यूब हीटर या फिर ट्यूबलर हीटर बोलते हैं। तो इसमें शेल ट्यूब हीटर में क्या होता है कि बेसिकली वन सेट ऑफ दिस ट्यूब्स कंटेन द फ्लूड दैट मस्ट बी आइदर हीटेड और कूल्ड। तो इसमें क्या रहेगा कि एक सेट ऑफ ट्यूब्स में आप क्या फील करोगे, ऐसा फ्लूड फील करोगे जिसको आपको हीट करना है या फिर कूल करना है, तो ऐसे फ्लूड का फ्लो करवाते हो। और द सेकेंड फ्लूड रन ओवर द ट्यूब दैट आर बींग हीटेड और कूल्ड सो दैट इट कैन आइदर प्रोवाइडेड द हीट और एब्जॉर्ब द हीट रिक्वायर्ड। और दूसरा जो सेकेंड रन रहता है वो कैसा रहता है, आपका आइदर या हीटेड करना रहे या कूल्ड करना रहे, तो वो डिपेंड करता है कि आप एक फ्लूड कौन सा ले रहे हो, दूसरा फ्लूड कौन सा ले रहे हो, तो या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर दे आर टिपिकली यूज़ फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करा जाता है ट्यूबलर हीटर को, अबाउट 30 bars। 30 bars के ऊपर जो हाई प्रेशर रहता है उस पर आपके ट्यूबलर हीटर्स या शेल ट्यूब हीटर्स जो रहते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी द डायग्राम्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्यूबलर हीटर, शेल ट्यूब हीटर्स जिनको बोलते हैं। तो स्ट्रेट ट्यूब हीटर होता है आपका स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जिसमें कि वन पास ट्यूब साइड हीटर्स रहते हैं, एक होता है टू पास ट्यूब साइड हीटर्स होता है और एक होता है यूट्यूब हीट एक्सचेंजर। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स। सो वन साइड जो ट्यूब हीटर रहता है आप देख रहे हो कि यहाँ से आपका फ्लूड इंटर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका एक फ्लूड और इंटर हो रहा है, फिर एक साइड से इंटर होता है दूसरे साइड से निकल जाता है, इधर में एक साइड से इंटर हो रहा है दूसरे साइड से निकल रहा है, वन पास हीटर है। फिर अगर टू पास हीटर की बात करते हैं तो टू पास हीटर में क्या करता है कि 2 bar फ्लो होता है लिक्विड, दैट्स वाई इट कॉल्ड एज द टू पास हीटर। हियर यू कैन सी दैट यहाँ से आपका इनलेट लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये पूरा आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस रिटर्न जाके दूसरी पोजीशन से बाहर निकलता है और ये आपकी स्टीम जो भी हॉट फ्लूड को फ्लो करवाना है फ्लो होता है, तो ये टू पास हीटर बोलते हैं। अब यूट्यूब हीट एक्सचेंजर जो रहता है, ये यूट्यूब का हीट एक्सचेंजर रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका फ्लूड जो है वो इन कर रहा है, यहाँ से आपका जो भी हॉट फ्लूड है वो इंटर करता है, तो ये यू शेप का कि आपका यू शेप को फॉलो करके बाहर निकल जा रहा है, तो दैट इज़ वाई इट कॉल्ड एज द यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। और यहाँ से आपका जो हॉट फ्लूड रहेगा वो बाहर निकलता है। तो अब बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो हियर आई कैन शेयर विथ यू वन डायग्राम सो यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। सो हियर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सिंगल पास ट्यूबलर हीटर। सो अभी इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो ट्यूबलर हीटर कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ पैरेलल ट्यूब, एज यू कैन सी देयर आर बंडल ऑफ पैरेलल ट्यूब इज हियर। एंड विच आर रिलेटिवली थिन वॉल, जो इनकी वॉल रहती है कैसे रहती है, बहुत ज़्यादा थिन रहती है। एंड द एंड ट्यूब्स ऑफ दिस आर एक्सपांडेड इन टू टू ट्यूब शीट B1 and B2। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम B1 and B2। सो दीज आर द टू एक्सपांडेड ट्यूब्स और द बंडल ऑफ द ट्यूब्स इज इनक्लोज इन द सिलेंडर शेल, that is the casing C. here you can see in the diagram casing C to which the tube sheets are fitted. many heaters have a cast iron shell, जो बहुत सारे heaters रहते हैं उनके cast iron की shell होती है, तो इसमें दो distribution chambers है आपके, आप देख सकते हैं दो distribution chamber, that is D1 and D2 are the two distribution chambers।
are provided at each end of the casing C. Fluid inlet is provided to the distribution chamber D2. D2 में आपका फ्लूड का इनलेट रहेगा. सो द हीटेड फ्लूड आउटलेट इज़ प्रोवाइडेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर D1. देन टू कवर्स E1 एंड E2 आर प्रोवाइडेड टू क्लोज द डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर फ्रॉम द साइड्स. सो द स्टीम और द अदर वेपर इज इंट्रोड्यूस्ड बाई कनेक्शन F. हियर यू कैन सी F थ्रू विच द स्टीम इज कमिंग. सो प्रोविजन्स आर मेड फॉर द एस्केप ऑफ नॉन कंडेंसर्स वेपर थ्रू द के वेंट. वेंट हियर यू कैन सी द वेंट फ्रॉम विच द वेपर्स आर एस्केपिंग एंड द कंडेंस वेपर्स आर ड्रेन फ्रॉम द जी. दैट यू कैन सी दैट द कंडेंसेंट आउटलेट इज देयर विच इज़ डिनोटेड बाय द जी. अब इसकी अगर वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में क्या होगा कि आपका जो इनलेट दे रखा है, इनलेट ऑफ द कोल्ड, यहाँ से आपका कोल्ड फ्लूड इंटर करता है और जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स में जो रहेगा आपका स्टीम की इनलेट से स्टीम फ्लो करवाते हो. स्टीम की हेल्प से क्या रहता है कि आपके सारे जो ट्यूब्स रहती है वो हीटेड हो जाती है. तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन ये ट्यूब्स पूरी हीट होती है और जो जो इनलेट जा रहा है आपका कोल्ड लिक्विड का, वो क्या करेगा आपका जो मेटल वॉल्स है जो कि हीटेड हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो हीट का ट्रांसफ़र करवाती है आपके लिक्विड में, कोल्ड लिक्विड में, और कोल्ड लिक्विड को वो हीट प्रोवाइड करवाती है, हीट ट्रांसफ़र करवाती है. तो जो कोल्ड लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है डैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इट टेक प्लेस. और जितनी भी मतलब कि वेपर्स रहेगी वो आपका जो वेंट के रहा है वहाँ से आपकी इवोपरेट हो जाएगी. और जितनी भी स्टीम्स रहती है जो कि आपका कंडेंस फॉर्म में रहती है, कंडेंसेट आउटलेट से कलेक्ट कर ली जाती है. और जो आपका लिक्विड था जो कि हीट ट्रांसफ़र होने के बाद में कैसा रहा, आपका हॉट हो चुका है, तो हॉट लिक्विड को आप आउटलेट हॉट फ्लूड से कलेक्ट कर लेते हो. दैट इज़ बाय B2 यू कैन कलेक्ट. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सिंगल पास ट्यूबलर हीटर. नाउ अपन अगर इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस में क्या रहेगा कि इन सिंगल पास ट्यूबलर हीटर लार्जर हीटिंग सरफेस कैन बी पैक्ड इनटू द स्मॉल वॉल्यूम. तो स्मॉल वॉल्यूम में ही आपको एक लार्जर हीटिंग सरफेस मिल जाती है. देन डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो जो फ्लूड की वेलोसिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहती है क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हियर यू कैन सी इन द डायग्राम ओनली द क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ वेरी लार्जर. तो जो वेलोसिटी रहती है वो कैसी रहती है, बहुत ही कम रहती है. तो वेलोसिटी अगर फ्लूड की नहीं रहेगी तो हीट जो ट्रांसफ़र कैपेसिटी रहेगी वो इतनी आपको नहीं मिल पाएगी. और इसमें क्या रहता है कि शेयर लेट ट्यूब ऑपरेटर में आपके ट्यूब्स जो रहती है उसके एक्सपांशन होने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि हीटिंग सरफेस प्रोवाइड हो रही है तो एक्सपांड होने के भी चांसेस होते हैं. तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर तो दिस में लीड टू द लूजिंग ऑफ द ट्यूब शीट्स और द और यू कैन से दैट द बैक इज द ट्यूब. तो दिस आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ शेयर लेट ट्यूब ऑपरेटर्स heaters. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.